सिक्का के साथ नहीं है, जिस तरह आपके साथ पीपल्स पार्टी या नून की थी। तो अब वक्त आ गया है, टेस्ट कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान का नंबर वन फॉरेन पॉलिसी का इशू है, मैं समझता हूँ। प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी कर दिया आपने सी पैक और उनके वजीर खारजा का भी दौरा और दूसरी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि जो कौमी इतफाक राय कायम हुआ, जिसने हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रोल अदा किया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ मुराद अली शाह साहब की उसको भी उनके सिंध के साथ के पी बंदर को हम लेके आए और चीज़ें वेस्टर्न रूट का लाना और चीज़ें करनी। तो अब उसको आगे उसमें तो आप लोगों ने उधर से परवेज फटक को रान किया, उधर से मौलाना को रान किया, उन्होंने अपना मौका भी बदल दिया। लेकिन वो मतलब इशू ये था, कम से कम उन्होंने पुल का किरदार अदा किया, इतफाक राय की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरी आलमी सियासत में, आलमी तारीख में दो ममालिक के दरमियान इससे बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं आया। लेकिन आप मुतमईन है कि मौजूदा हुकूमत भी उसी तसलसल और उसी स्पिरिट के साथ सी पैक के मामले को आगे बढ़ाएगी? हुकूमत इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है जो जामिन है सी पैक, ठीक, और उसमें हमारा सिस्टम भी है जिसमें जुडिशरी भी आप शामिल हो गई है। तो वो फिर वो नहीं इतना नहीं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने का। नाज़रीन, आज के इस खसूसी जलवे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जलवे से मुतालिक अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए। सलीम साफी और जलवे की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।